जब राम सेतु इतिहासकारों ने कह दिया, कई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों ने राम जी के इतिहास को, हनुमान जी के इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की, बड़े बड़े चैनलों के अंदर कह दिया राम सेतु तो है ही नहीं, राम सेतु टूट जाएगा। मैं किसी मंदिर में 13 साल से जा रहा हूं, हनुमान जी के चरणों में जाता हूं, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। जब टीवी में सुना, अखबारों में सुना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं नॉनवेज भी खाता था, मैं शिकार का भी शौकीन था। 13 साल पहले हनुमान जी के मंदिर के जाने के बाद सब छोड़ दिया, और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं, मैंने कहा मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, ये इतिहासकारों ने कह दिया, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की कि राम सेतु तो है ही नहीं। मैं कहे राम जी है, हनुमान जी, जहां हनुमान चालीसा करना छोड़ दूंगा, जहां आपके मंदिर जाना छोड़ दूंगा, राम सेतु टूटने नहीं दूंगा। दोनों में से एक फैसला कर लिया, चला गया राम सेतु अपने दोस्तों के साथ, और वहां पे मैंने वहां की परंपरा के मुताबिक शपथ ले ली 21 कुओं का स्नान करके। जिस दिन राम सेतु टूटे, सबसे पहले बम्बों गोलियों से बचा हुआ बोनस का हिस्सा राम के चरणों में चले जाए, शपथ लेके आ गया। बड़ा परेशान रहा रात दिन, अब मेरी मौत कैसे आएगी, बम्बों गोलियों से तो मैं नहीं मर सका, मैं खुद अपने आप को समाप्त करूंगा जब मुझे करेगा। वक्त गुजरा, राम जी की कृपा, भगवान की कृपा, नितिन गडकरी जी उसी डिपार्टमेंट के मंत्री बन गए। मैंने नहीं कहा, हम नहीं मिले, सबसे पहला जो नितिन गडकरी जी ने इस भारत माता के लिए, श्री राम जी के चरणों के लिए काम किया, सबसे पहला मंत्री पद बन के इनका स्टेटमेंट आया, राम सेतु नहीं टूटेगा। बोलो जय सिया राम।